आप देख सकते हैं बिल्कुल भी फिल्टर नहीं है इस मेकअप में, एंड बहुत ही बिल्कुल एकदम ओरिजिनल कैमरे से बना रही हूँ, बिल्कुल भी फिल्टर नहीं, एकदम पास में आके दिखा रही हूँ, कहीं से फटा नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आईज को बड़ा दिखाने के लिए आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो, और कैसे कैसे आपको लॉन्ग फेस सॉरी सिक्स फेस टाइप होते हैं, फेस शेप के अकॉर्डिंग कैसे आपको मेकअप करना चाहिए, कौन से फेस शेप पे कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हाइलाइटर लगाना है, सारी चीजें क्लियर की हैं। तो वीडियो जाके जरूर चेक कीजिएगा, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री है, राउंड फेस पे कैसे करना है मेकअप, एंड बहुत ज्यादा काले दाग धब्बे वाले स्किन पे कैसे करते हैं मेकअप, एंड आंखों को बड़ा दिखाने के लिए, छोटी आंखों को बड़ा दिखाने के लिए आपको किस तरीके से लगाना चाहिए लाइनर एंड मस्कारा एंड आईलैशेस, तो जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाधे, आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ डार्क स्पॉट्स को कैसे रिमूव करते हैं एंड किस तरीके से आपको हाइड करना है। बिल्कुल ब्लैक डार्क स्पॉट्स, ये वाला आप लाइनर देख रहे हो, ये मार्कर है, ये वाटर प्रूफ है, इसको मैंने बहुत बार वाटर से रिमूव करने की कोशिश की बट ये रिमूव नहीं हो रहा, तो इससे मैं अपने फेस पे डार्क स्पॉट्स बनाऊंगी एंड आपको रिमूव करके दिखाऊंगी किस तरीके से आप डार्क स्पॉट्स को रिमूव कर सकते हो मेकअप के थ्रू। तो आज है क्लास वन मेकअप का, जिसमें आपको अपने फेस को इवन करना होता है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करना होता है, तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकेंड चैनल पर सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज डे बाय डे जाते रहती है, तो सेकेंड चैनल पर जाके जरूर चैनल को देख लीजिएगा, एंड इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर सिलाई में जो भी मिस्टेक होती है, जो भी बारीकियाँ होती है, सब कुछ डिटेल में मैं क्लियर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डार्क स्पॉट्स बना रही हूँ चेहरे पे, आप देख सकते हो, और इसको मैं वाटर भी लगा के दिखाऊंगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये ऐसा नहीं है कि क्रीम में ब्लेंड होके कैमरे की वजह से कुछ आपको दिख रहा है कि कैमरे क्रीम में ब्लेंड हो गया और मैंने आपको फेक वीडियो डाली है, तो इसीलिए सब कुछ परफेक्टली दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। तो ये इस तरीके से डार्क स्पॉट्स बन गया चेहरे पे, मेरे चेहरे पे डार्क स्पॉट है नहीं, बट बहुत कमेंट आ रहे हैं कि हम काले दाग धब्बों को कैसे रिमूव करेंगे मेकअप के थ्रू, क्या क्या प्रोसेस होता है, पूरा डिटेल में बताइए। तो इसलिए मैं अपने चेहरे का ये हाल करके आप लोगों को समझा रही हूँ कि कैसे आपको डार्क स्पॉट्स को रिमूव करना है। हालांकि हमारे चेहरे पर इतने ज़्यादा काले दाग नहीं होते हैं, बट मैंने इतने ज़्यादा काला स्पॉट्स बनाया है ताकि ये हाइड हो गया तो चेहरे के दाग तो ऑटोमेटिकली हाइड हो ही जाएंगे। वैसे डार्क सर्कल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं, उसी प्रोसेस से आप अपने डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव कर सकते हो, बट कोई नहीं, चलिए देखते हैं कि ये रिमूव होता है कि नहीं। मैं भी ट्राई ही कर रही हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ साथ के साथ। तो सबसे पहले जो हम लोग का प्रोसेस होता है CTM का, तो उसके लिए आपको क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करना होता है, तो मैंने क्लिंजिंग कर रखा है एंड ये मैं ये देखिए ये लगाने के बाद भी ये निकलेगा नहीं है ना, तो इसको मैं क्रीम से हाइड करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है, देन कोई भी चीज़ ब्लेंड करने के लिए आपको जरूरी होता है मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के लिए, तो ये है मेरा लैक्मे पीच मिल्क का मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर उतना ही यूज कीजिए जितना आपके चेहरे पे ज़रूरत है, ये परमानेंट मार्कर है तो ये इतना ईजिली नहीं जाता है। ओके, तो ये मॉइस्चराइजर मैंने अप्लाई कर लिया है। ओके, अब हम लोग डार्क स्पॉट्स को हाइड करेंगे। तो डार्क स्पॉट्स हाइड करने के लिए इस तरीके के अगर काले दाग धब्बे हैं, तो ये मैंने ऑर्डर किया था मीशो से, ये MRP इसका 210 रुपये है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्रो कंसीलर पैलेट है ये, इसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है एंड इसमें इस तरीके के कई सारे कलर दिए हुए हैं, जो कि ऑरेंज है आपके ब्लैक डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए, ये ब्राउन है आपके कॉन्टोर करने के लिए, येलो है फेयर स्किन पे डार्क सर्कल है तो उसको हाइड करने के लिए, ग्रीन है आपके पिंपल्स मार्क को हाइड करने के लिए, और ये वाला है जो जहाँ आपके बहुत ज़्यादा एक्ने पिम्पल्स का प्रॉब्लम होता है उसको हाइड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर ले रही हूँ और जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम्स है वहाँ वहाँ मैं इस तरीके से इसको अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल यही प्रोसेस आपको भी करना है और आप देखोगे कि आपका जो डार्क स्पॉट्स है वो हाइड हो जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिनको भी ज़्यादा काले दाग हैं और उनसे मेकअप में हाइड नहीं हो पाता है, तो इस तरीके से आप करोगे तो हाइड हो जाएगा। और हम लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ मैं। जहाँ जहाँ आपको काले दाग हैं उसके ऊपर ऊपर आप इसको अप्लाई कर दोगे,
मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम दाग तो ठीक है लेकिन अगर चेहरे पे गड्ढे हो जाते हैं, पिंपल्स के मार्क हो जाते हैं तो उसको कैसे हाइड करेंगे। तो डियर वो हाइड तो आप कर लोगे पिंपल वाले कलर करेक्टर से, बट जो गड्ढे होते हैं वो बिल्कुल पास से देखने पे दिखाई देते हैं, वो ढक नहीं सकते, भर नहीं सकते। ओके, अब आपको लेना है ब्यूटी ब्लेंडर और अच्छे से गीला करना है। देखिए मिस्टेक हमको यहीं पे होती है और हमारा जो डार्क स्पॉट्स होता है वो हाइड नहीं हो पाता है। पूरा डिटेल में बता रही हूँ तो अच्छे से देखिएगा। ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करना है, एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेना है। एंड जब हम लोग ब्लेंड करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि मैम हमारा तो फेस पूरा ऑरेंज दिख रहा था, हमने ऑरेंज कलर करेक्टर यूज किया था। कई लोग बोलते हैं कि हमारा तो हाइड ही नहीं हुआ डार्क स्पॉट्स, एंड ऑरेंज कलर करेक्टर का कुछ पता ही नहीं चला। तो डियर आपको जितना प्रोडक्ट का जरूरत है आपके फेस पे आप उतना रहने दोगे तब तो वो असर करेगा। तो जैसे हमने ब्लेंड करना स्टार्ट किया तो ब्लेंडिंग के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा ब्लेंड नहीं करना है, बस दैट्स इट, इतना ब्लेंड करना है। ओके, हम लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा ब्लेंड कर देते हैं जिससे कि हमारे हमारा कलर करेक्टर जो होता है वो पूरा हट जाता है और अपना वर्क नहीं कर पाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा ब्लेंड कर दिया तो ये नहीं, उस टाइम हाइड नहीं हो पाएगा, इस पे और कलर करेक्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी और ये जो है ये हाइड हो जाएंगे अच्छे से। ओके, तो इसमें हम लोग दोबारा से और कलर करेक्टर लेंगे तो आई थिंक आपको डार्क स्पॉट्स पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी आज। तो इसको बस हाथ से ही ब्लेंड करके छोड़ देंगे। ओके, अब हम लोग लेंगे अपना कंसीलर। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्रो कंसीलर, HD कंसीलर है एलिगेंस का, काफ़ी अच्छा है और मैं लॉन्ग टाइम से इसको यूज करती हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है ये। अब इसको जहाँ जहाँ आपके डार्क स्पॉट्स हैं उसके ऊपर ऊपर आप अप्लाई कर दो, अपने स्किन टोन से मैच होता हुआ ही लीजिएगा और बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा जो आपका डार्क स्पॉट्स है उसको हाइड करना है। ओके, तो आपको अच्छे से कंसीलर लगाने की जरूरत है। और इसको ब्लेंड कैसे करना है वही बता रही हूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है और इसको ब्लेंड करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है तो ध्यान से देखिएगा। अभी हमने लगा लिया, अब आपको डायरेक्ट ब्लेंड नहीं करना है, आपको लेना है मेकअप फिक्सर, देन अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर देना है। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड हो, उसके लिए। अब आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से टैप टैप करना है और प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 90% तक हमारा जो डार्क स्पॉट है वो हाइड हो गया है। ऐसा डार्क स्पॉट आपके फेस पे नहीं मिलेगा लेकिन मैंने इतना डार्क करके दिखाया है कि जब इतना डार्क आपने हाइड कर लिया तो आप कुछ भी हाइड कर लोगे मेकअप से। अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग पे ज्यादा फोकस करना है जब भी आप मेकअप कर रहे हो। तो डार्क सर्कल आप देख रहे हो बहुत अच्छे से इजीली हमारा रिमूव हो चुका है अभी। बिल्कुल भी रब नहीं करना है, बस एक जगह पे ही इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर को करते जाना है टैप टैप, उससे आपका प्रोडक्ट भी इजीली ब्लेंड हो जाएगा। डार्क सर्कल तो बहुत अच्छे से हाइड हो गया है, अभी आपको दिख रहा होगा, तो डार्क स्पॉट भी बहुत अच्छे से हाइड हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बट अभी कुछ अभी हमने सिर्फ स्टार्ट किया है, पूरा अच्छे से हाइड करके दिखाऊंगी मैं। और ये मेकअप रिमूव होने के बाद भी हटने वाला नहीं है, इसको आपको ऑयल से निकालना पड़ेगा क्योंकि ये परमानेंट मार्कर है, उससे मैंने अपने फेस पे
ये बनाया था। आज मैं बता रही हूँ आपको राउंड फेस का, मैंने फेस 6 फेस शेप बताया था आपको, और आज बता रही हूँ राउंड फेस पे कैसे मेकअप एंड कंटूर करना है, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट राउंड ही है। बट अगर राउंड नहीं भी है मेरा, तो आपको बस राउंड मेकअप पे इस तरीके से सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, तो बहुत अच्छे से आपका जो मेकअप है वो हो जाएगा। तो हमने कर दिया, बट स्पॉट्स अंदर से दिख रहे हैं। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको अप्लाई करना है अपना फाउंडेशन। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फाउंडेशन अप्लाई करना है। फाउंडेशन जो यहाँ पे है वो है लैक्मे 9 to 5 का। तो फाउंडेशन जो होता है उसको अप्लाई करने का जो सही तरीका है वो मैं बता रही हूँ। और ये मेरा लॉन्ग टाइम से फेवरेट फाउंडेशन है। इसका पंप जो है वो खराब हो चुका है, तो मैं इस तरीके से फाउंडेशन को अप्लाई कर लेती हूँ। आईज के नीचे कभी भी डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना चाहिए। फाउंडेशन ब्लेंड करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको मेकअप फिक्सर को जरूर अप्लाई करना है, नहीं तो आपका फाउंडेशन जो है वो बाद में चल के ब्लैक हो जाएगा। अब देखिए मेरे नाक का जो डार्क स्पॉट है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ का भी नहीं दिखेगा। अब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं मेकअप में जो कि अच्छे से आपके डार्क स्पॉट्स को हाइड कर देते हैं। इसके बाद आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट कर दो, ब्लश लगा दो, आपका डार्क स्पॉट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। बट यहाँ पे अभी हम लोग कंसीलर यूज करेंगे, कॉन्टोर यूज करेंगे, सारी चीजें बताने वाली हूँ आज की वीडियो में मैं। अब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे 7 सीरीज का कंसीलर है, बहुत ही अच्छा कंसीलर है, वाटर प्रूफ है। तो ये मेरे शेड से मैच होता हुआ है, शेड नंबर 03 है इसका। इसको हम लोग नोज पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे, आईज के नीचे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आईज के नीचे अप्लाई करेंगे ताकि मेकअप जो है उसका कलर जो है वो बहुत अच्छे से आए। आईज के ऊपर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी अप्लाई करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि हमको आई मेकअप करना है। और थोड़ा अच्छा कंसीलर लगाने से क्या होता है कि आई मेकअप का कलर जो होता है वो अच्छे से उभर के आता है। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ओके, तो इसको ब्लेंड करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉन्टोर यूज करेंगे। आईज के ऊपर बस इतना ही ब्लेंड करना है। फोरहेड पे और ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। फोरहेड का जो डार्क स्पॉट है आप देखो अच्छे से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, नोज के ऊपर का भी नहीं दिख रहा है। ब्लेंडिंग पे खास ध्यान देना है आपको।
ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगर आपको लगे कि आपका डार्क स्पॉट अच्छे से हाइड नहीं हुआ तो आप कंसीलर अपने डार्क स्पॉट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा बेस। अब बारी आती है कि हमको किस तरीके से कॉन्टोर करना है राउंड फेस पे। तो देखो आपको डार्क स्पॉट बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। वीडियो लंबी हो रही है तो आज का जो टॉपिक था काले दाग धब्बों को कैसे हाइड करेंगे तो पता चल गया होगा आपको। अच्छे से हाइड हो गया, बस आपको कॉम्पैक्ट पाउडर का पाउडर से इसको सेट करना है, ब्लश लगाना है, हाईलाइट लगाना है, कंटूर करना है, लिपस्टिक लगाना है, आईब्रो को फिल करना है, आई मेकअप करना है एंड आपका मेकअप कंप्लीट है। इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि डार्क स्पॉट्स को कैसे हाइड करोगे आप। ओके, अब आगे का जो प्रोसेस है पार्ट टू में देखिएगा, मेकअप पार्ट टू राउंड फेस के लिए। तो पार्ट वन में आपको अच्छे से समझ में आया कि हाइड कैसे करना है आपको डार्क स्पॉट्स को। कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा ताकि पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।